नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं बॉल से, तो और नहीं डरते हैं, सोचते हैं और आगे तक अच्छे से खेलें, मन से खेलें और अपने देश का नाम रोशन करें। अपने देश का नाम रोशन करो, नहीं पढ़ाई में मन कर लग रहा है कोई बात नहीं, गेम में अपना नाम रोशन करो, अच्छे से खेलो। हम जैसा वृक्ष लगाएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। आप अपने परिवार की बहन बेटियों पर विश्वास करें। आज लड़की हर क्षेत्र में आगे हैं, कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कोई कम नहीं है। जो चीज़ आपको लड़के देंगे वो आपको लड़कियां भी दे देंगी। आपके अगर आप अपने बेटे से उम्मीद करते हैं तो अपने बेटी से भी उम्मीद करिए, क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र में आसमान से लेकर के ज़मीन तक हर क्षेत्र में आपको आपकी बेटियाँ मिलेंगी। दोस्तों, आज राजभर समाज हर क्षेत्र में तरक्की को हासिल कर रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी लाइन हो। आज देखिए, उसी कड़ी में हमारे साथ में मौजूद हैं मदनपुर करमही देवरिया से रोशनी राजभर जी, जो कि हॉकी प्लेयर हैं। तो आइए मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब तक उन्होंने कितने अवार्ड्स हासिल किए हैं और किस लेवल तक खेल रही हैं। रोशनी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, आप जो इस हॉकी लाइन में आई है, ये चीज़ आपके दिमाग में कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये हम बचपन से ही, जैसे भैया लोग देखते थे फ़ोन में, तो हमें एक जोश आता था कि हम भी खेलेंगे। तो हम अपने भैया से रेगुलर बोलते थे, भैया भी हमें भी खेलने जाना है। इसकी वजह से मेरे भैया हमें बोले, जब तुम बड़ी हो जाएगी थोड़ा तो तुम्हें भेजेंगे खेलने के लिए। भैया कौन सा गेम खेलते थे? भैया क्रिकेट विकेट खेलते थे, लेकिन भैया तो इस समय वकील बन गए हैं, सरकारी जॉब करते हैं। हाँ, तो इस समय प्रैक्टिस करने रेगुलर जाते हैं, खेलते भी हैं हॉकी देवरिया। अभी आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? अभी इस साल 10th है। और कितने गेम्स आपने खेले हैं ये स्टेट लेवल पे? अभी अयोध्या खेले हैं, फिर झांसी खेले हैं, बुलंदशहर गए थे खेलने, अब गोरखपुर गए थे, लखनऊ भी गए हैं खेलने। कौन सा स्थान आया था, कौन सा रैंकिंग मिला कुछ? झांसी में तो 2nd प्लेस लगा था, अयोध्या में 3rd ही आया था। घर चले आए थे हम लोग, टीम थोड़ा लूज हो गई थी इसकी वजह से। अभी आप खेलती है तो आपको डर नहीं लगता कि चोट लग जाए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं बॉल से, तो और नहीं डरते हैं। सोचते हैं और आगे तक अच्छे से खेलें, मन से खेलें और अपने देश का नाम रोशन करें। बच्चे लोग होते हैं, डर जाते हैं कि चोट लग जाएगी, घायल हो जाएंगे। हम नहीं डरते, हम खेलते हैं। बोलते अगर डरेंगे तो खेलेंगे कैसे, इसीलिए पूरा कुल माइंड खेलते हैं हम। बाकी जो बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? हम तो यही कहेंगे, आप लोग भी मेहनत करो, अच्छे से खेलो, अपने परिवार अपने गांव का नाम रोशन करो, यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे कि? और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो यही हम कहेंगे, आप लोग भी गेम ज्वाइन कर लो और अच्छे से मेहनत करो, गेम तो गेम में कुछ निकालो तुम लोग, अपने देश का नाम रोशन करो। नहीं पढ़ाई में मन कर लग रहा है कोई बात नहीं, गेम में अपना नाम रोशन करो, अच्छे से खेलो। हॉकी दिखाइए दोस्तों को। ये है मेरा हॉकी। दोस्तों, यही वो हॉकी है जिसे ये खेलती हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी डरिए नहीं। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो साइड से आपको ये गेम को सेलेक्ट कीजिए और उसमें आप तन मन धन से लग जाइए और आगे बढ़िए। साथ में मौजूद है हमारे इनके भैया जी हैं, तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, आपकी सिस्टर हैं जो कि एक स्टेट लेवल पे काफ़ी हॉकी में आ रही है आगे, तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी बहन है, एक यह युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए, हर परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम लोग अपने परिवार की बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, डरते हैं कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ न हो जाए, चाहे मान सम्मान से डरते हैं। ये सब कुछ आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा वृक्ष लगाएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। आप अपने परिवार की बहन बेटियों पर विश्वास करें। आज लड़की हर क्षेत्र में आगे हैं, कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कोई कम नहीं है। जो चीज़ आपको लड़के देंगे वो आपको लड़कियां भी दे देंगी। आपके अगर आप अपने बेटे से उम्मीद करते हैं तो अपने बेटी से भी उम्मीद करिए, क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र में आसमान से लेकर के ज़मीन तक हर क्षेत्र में आपको आपकी बेटियाँ मिलेंगी। चाहे चंद्रयान में देखिए आप, चाहे स्पोर्ट में देखिए, बहुत सारी लड़कियाँ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल से लेकर के, गेम से लेकर के, हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ जा गए हैं। मैं जहाँ पर निवास करता हूँ, हम लोग का ग्राम सभा मदनपुर कदमही है, यहाँ पर हमारे बिरादरी में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। वैसे तो हर जगह हमारे समाज के लोग शिक्षा में पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम लोग समाज शिक्षा में पीछे हैं। मेरी बहन पढ़ती थी 8th में ही, तो मुझसे
शरीर इसको देखो के रनिंग वनिंग करती थी, मुझसे कहते थे कि भैया मैं स्पोर्ट खेलूँगी, तो फिर कहते थे कि मुझे डर लगता है, ऐसा ना हो कि भैया अगर मैं आपसे कहूँ मैं स्पोर्ट में भेज दूँ तो आप डरें, कहें कि क्या ना मेरी बहन जाएगी इतना दूर खेलने के लिए, गाँव के लोग क्या कहेंगे। हमने कहा कि ऐसा कुछ बात नहीं, अगर तुम्हारे अंदर वो मन है, तुम्हारे अंदर वो जागृत हुआ है कि हम किस स्पोर्ट में जाएंगे एजुकेशन के साथ। मैंने अपने बहन का एडमिशन कराया देवरिया रविंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम में, स्पोर्ट स्टेडियम में, वहाँ मेरी बहन प्रैक्टिस भी करने जाती है और कई जगह मेडल भी जीती हुई है। यहाँ गोरखपुर और गोरखपुर देवरिया से भी मंडल की टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी मेरी बहन क्या ना पार्टिसिपेट की थी और वहाँ पर इनकी टीम 3-4-0 से जीती हुई थी। झांसी गई है, अयोध्या गई है, जहाँ भी हुआ है हम लोग को पूरा विश्वास होता है कि हाँ मेरी बहन खेल रही तो एक दिन ये आगे बढ़ेगी। मुझे हमारे परिवार में जब किसी कोई संकोच नहीं रहता है, अब तो मेरे गांव के लोग भी मेरी बहन से प्रेरणा स्रोत लेते हैं कि हाँ हमारे गांव में एक बिटिया है जो एक स्पोर्ट में प्लेयर है और स्पोर्ट खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, और आज इस बात की खुशी है कि मेरी बहन के नाम से ही हम लोग की पहचान होती है। चूँकि मैं भी ऑलरेडी न्यायालय देवरिया में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए डिफेंस काउंसिल में, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल हूँ, तो सबके लिए मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई के साथ, पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब यह धारणा चेंज हो चुकी है। अब इसके साथ ये हो गया कि यदि आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, आप पढ़ोगे लिखोगे तो स्वभाव है कि आप तो उसमें हर मुकाम को पा सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हर सफलता की चाबी शिक्षा होती है। यदि आपके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, हम अपने अंदर यह ना धारणा करके एजुकेशन के प्रति जाएं कि यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें नौकरी मिलेंगी, चाहे हम पढ़ लेंगे लिखेंगे हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। आप खुद देखिए, एक छोटा सा उदाहरण से बताता हूँ कि एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर जिसकी इनकम कितनी होती है, 1500, 2000, 3000 मैक्सिमम, अगर अच्छा पढ़ाता 5000 पाता है। लेकिन आप उनके रहन सहन में देखिए, उनके परिवार को, बच्चों को देखिए, और वहीं पर क्या नाम कि अपने समाज में चाहे अदर गरीब व्यक्ति में किसी परिवार में देखिए, जो लोग छोटे वर्ग लोग हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, वो पर डे क्या नाम है कि 500-1000 रुपये कमा के लेकर आएंगे, तब भी आप उनका रहन सहन, उनके परिवार का बैकअप देखिए, और एकमात्र 4-5000 रुपये कमाने में लगे देखिए कैसा होता है। वो 5000 रुपये में ही अपना परिवार पूरा मैनेज कर लेगा, कुछ सेविंग भी कर लेगा, बच्चों के एजुकेशन भी दे देगा और अच्छा तरीके से पहनेगा कपड़े भी। और हम यहाँ पर जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वो 2000 पर डे कमा के लाते हैं, लेकिन उनका देखते हैं क्या रहन सहन क्या होता है, 2000 रुपये को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसका मिशन नहीं होता है, उनका मिशन नहीं होता है, विजन क्लियर नहीं होता है, इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं, ये तो है, मिशन विजन तो है, लेकिन मिशन विजन वही उन्हीं के पास आता है जो एजुकेटेड रहेंगे, जहाँ पे ऐसा उनका बैकग्राउंड हो जाए, वहाँ पर सर्किलिंग वैसा हो। यदि हम जिस सर्किलिंग में रहेंगे हम वैसा है, जो माहौल होगा। यदि आप बहुत बड़े क्या नाम है कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता हों और यदि आप चोर के साथ रहेंगे, चाहे क्या ना महापापी के साथ रहेंगे, तो आपको थोड़ी कहे कि बहुत बड़े महामुनि हैं, चाहे बहुत बड़े शास्त्र हो गया है। तो आपके सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल का माहौल कैसा है, और आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस माहौल के हिसाब से ही अपने आप को आपको ढालना पड़ेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उस माहौल को अपने आप को ढालिए और दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने भविष्य को देख करके वर्तमान को मजबूत बनाइए, क्योंकि आने वाला आपके भविष्य वर्तमान की नींव पर ही स्टैंड होगा। यदि हमारे अंदर यह धारणा, मुझे लग रहा है कि मुझे भविष्य में आगे बढ़ना है, अगर वर्तमान में मेरा कुछ नुकसान होता है तो मुझे उस नुकसान को हंस करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। रोशनी जी के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे, कहाँ किस मंजिल पे देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो भाई हूँ, उस तौर तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है क्या ना जो हमसे उनका लगाव ना हो, चाहे आपका कोई दुश्मन भी, वो भी चाहेगा कि अगर मेरे गाँव जवाहर क्षेत्र से अगर मेरी बिटिया आगे बढ़ रही हो तो एक राष्ट्र लेवल तक जाए, देश के और देश में देश का नाम रोशन करें, विदेशों में खेले और हमारे गांव के साथ साथ देश का भी नाम रोशन हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि मेरी बहन आगे बढ़े, जितना हो सकता हम लोग अपने, मेरा पूरा परिवार प्रयास करता है एजुकेशन के, शिक्षा के लिए, मेरे भाइयों के लिए, ये नहीं है कि मैं अपनी एक ही बहन के लिए, मैं अपने सारे भाई बहन के लिए के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज में, चाहे अदर किसी भी अदर कास्ट के हों, अगर कोई व्यक्ति है अगर उसे ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि अगर इनको थोड़ा सी सहायता दी जाए तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। एक और सवाल करेंगे, जैसे आज के जो युवा साथी हैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, दिशा निर्देश सही नहीं मिल पाता, इसके लिए भी युवा भटक जाते हैं, इस विषय पे क्या? देखिए, युवा भटक जाता है, एक उम्र होती है, और उसके अलावा अभी तक युवा, कोई युवा भटकता उटकता नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है क्या नाम परिवार के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन उसके परिवार से माँ बाप ही होते हैं। आप देखते होंगे क्या नाम कि छोटे परिवारों में जहाँ पर क्या नाम है कि
माँ बाप की बोलने की शैली, उनके एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पड़ता है। अगर माँ बाप परिवार के अदर लोग तो बिहेवियर अच्छा हो, संस्कारिक तरीके से अपने आप को रखें, तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अगर उनके प्राइमरी एजुकेशन बढ़िया मिलेगा तो कभी कोई युवा भटक नहीं सकता है। युवा अगर भटकता है तो भटकना नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपके साथ अगर युवा जुड़ गया तो स्वाभाविक है आपके अंदर वो, आपके अंदर वो क्वालिटी गुण आ चुकी है कि आप इतना आप जान सकते हैं कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर युवा यह जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो भटकता है तो उसे भटकना नहीं कहा जाता, वो जानबूझ कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मेरा कहीं कहीं बिल्कुल हम भी आपकी बातों से सहमत हैं। ये हैं रोशनी राजभर जी, जो कि हॉकी प्लेयर हैं और आने वाले समय में एक, हम भी उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में आप आगे बढ़ें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सर।